अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बहाल कर दी है, राष्ट्रपति शासन किया रद्द, कहा गवर्नर का फैसला गैर कानूनी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एक बड़े लंबे समय तक चले राजनीतिक संशय के बीच, राजनीतिक संकट के बीच अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, तो उसी शासन को सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार बहाल की है, राष्ट्रपति शासन रद्द कर दिया। आज सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने महामहिम गवर्नर साहब ने जो मैसेज और जो डायरेक्शंस 9 दिसंबर को इशू किए थे फॉर कन्वीनिंग द असेंबली बाय प्रीपोनिंग द असेंबली, और उसमें जो नो कॉन्फिडेंस मोशन स्पीकर के अगेंस्ट और गवर्नमेंट के अगेंस्ट पास हुआ था 16 और 17 दिसंबर को, वो सब क्वाश कर दिया गया है एज वायलेटिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी डायरेक्शन दिया है कि द स्टेटस को, जो स्थिति 15 दिसंबर की थी, उसको रिस्टोर किया जाए। 15 दिसंबर को टुकी साहब चीफ मिनिस्टर थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एक प्रकार से कि टुकी साहब फिर से चीफ मिनिस्टर बनेंगे। इसके आगे ये जजमेंट गवर्नर के कंडक्ट पे एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठाता है, क्या गवर्नर इस प्रकार से कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस का बिल्कुल अनदेखी हो, रूल ऑफ लॉ की अनदेखी हो, और ऐसा लगने लगे देश में जैसे कि कोई कानून व्यवस्था ही नहीं है। हमको सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पे गर्व है। हमको अब आज फिर एक दफ़े सुप्रीम कोर्ट ने इस देश को बताया है कि इंडियन जुडिशरी एक बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट एंड एक रिलायबल इंस्टीट्यूशन है जो पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षक है, और जब भी ऐसा कोई क्राइसिस आता है तो सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइस से अपना जजमेंट और जवाब देती है।